इन दो वीडियो में से एक वीडियो आज से 10 साल पुराना है, क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो कौन सा वीडियो हो सकता है? मैं देता हूं तुम्हें 3 सेकंड। ऑफकोर्स तुमने गेस कर लिया होगा, ये है फाइनल डेस्टिनेशन 5 का VFX और ये है शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड का VFX। तो चीजें टाइम के हिसाब से इंप्रूव होती है, बट VFX अलग तरीके से चल रहे हैं। ये टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा बुरे बनते जा रहे हैं और इसका क्रेडिट VFX आर्टिस्ट को बिल्कुल भी नहीं जाता, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इसके स्टूडियो को जाता है जिसने इन पर इतना बर्डन डाला है। बर्डन पर आने से पहले अपन इसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। तो 1950 जब कंप्यूटर ग्राफिक इमेज यानी कि CGI का इन्वेंशन हुआ, जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर के द्वारा अल्फ्रेड हिचकॉक की 1958 की वर्टिगो फिल्म के अंदर एनिमेशन को यूज किया गया था, और 1973 के वेस्ट वर्ल्ड फिल्म के अंदर जिसमें प्रॉपर वे में VFX का यूज किया गया था। धीरे धीरे करके CGI हॉलीवुड में जम चुका था। फिर साल आता है 1992 जहां पे 4 VFX वाली फिल्में आई थी, 2002 जहां पे 3 VFX वाली फिल्म आई थी, 2012 में 9 फिल्में आई थी, एंड 2022 में 26 तो एनिमेटेड वाली फिल्म आई है और 15 CGI बेस्ड मूवीज आई है। और मैंने नॉर्मल फिल्मों को तो इसमें इंक्लूड किया ही नहीं है जिसमें छोटा मोटा CGI यूज किया गया हो, नेटफ्लिक्स के Amazon के TV शोज को भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो अब तुम समझे कि बर्डन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे अच्छा लगता है कि VFX आर्टिस्ट को वर्क मिलता है, बट इतना ज्यादा वर्क मिल जाता है कि एक कॉमन मैन के लिए इतना वर्क झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसी के साथ में शुरू होता है कि देखो, वर्क मिलने के साथ साथ पैसा भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मनी इज द रियल मोटिवेशन। सेम वैसे ही अगर तुम इस वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि इस पर व्यूज आएंगे। तो कंपनीज के पास में ज्यादा वर्क आ रहा है बट ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। जैसे कि 2008 में आती है आयरन मैन फिल्म जिसमें 400 VFX शॉट्स को यूज किया गया था और उसका बजट था 140 मिलियन। वहीं पे क्वांटम मेनिया के अंदर 800 VFX शॉट थे और ये अभी ऑफिशियली नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होंगे, बट 800 एक दिखा रहा है एस्टिमेटेड। अगर बात करूं मैं इसकी तो इसका बजट था 200 मिलियन। तुम्हें अगर लग रहा होगा कि 140 मिलियन में VFX को दिया गया होगा और 200 मिलियन में से VFX का बजट बढ़ चुका, तो ऐसा नहीं हुआ है। बजट इसलिए बढ़ा है क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, जमाना और ज्यादा महंगा हो चुका है, इसीलिए इसका बजट ज्यादा देखने को मिलता है। बट VFX कंपनीज को उतना ही पैसा मिल रहा है जितना पहले मिला करता था, और VFX कंपनीज का जो वर्क होता है वो आर्टिस्ट में डिवाइडेड होता है। फिर आती है डेडलाइन, जो कि सबसे ज्यादा VFX आर्टिस्ट को ब्रेक कर देती है। एक स्टूडियो अपनी फिल्म को कंप्लीट करता है और VFX आर्टिस्ट के पास में लेकर चला जाता है, बोले इतने दिन में मुझे ये वर्क कंप्लीट चाहिए, और वो बेचारे अपने घंटों का समय उस पर लगा देते हैं और रिजल्ट में उनका उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज नहीं आती है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। कंपनी को कहा गया था कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की रिलीज डेट का टाइम है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, यानी कि इन्फिनिटी वॉर रिलीज होगी, उसके 1 महीने बाद में हमें एंड गेम भी रिलीज करनी है, तो तुम्हें VFX वर्क जल्दी करके देना हो। बट जो कंपनी है उसे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पता चलता है कि इसमें 1 साल का टाइम है, ऐसा उन्हें झूठ बोला जाता है और उनसे वर्क जल्दी कराने का उन पर प्रेशर डाला जाता है। और जब वर्क जल्दी कराया जाता है तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। एक बंदा जो अपने टेबल के ऊपर बैठकर 5 घंटे वर्क करता है, उसे उसी मूवी के लिए 10 घंटे वर्क करना पड़ता है, और इंसान के दिमाग को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ कि अब ये जो मेरी वीडियो है, अराउंड अगर मैं 8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो इसे नॉर्मल एडिटिंग में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। वैसे ही इमेजिन करो कि एक VFX आर्टिस्ट को 120 मिनट की फिल्म को VFX डालने में कितना टाइम लगता होगा। उनका कुछ नहीं होता है, स्टूडियो अपनी फिल्म को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करता है और जाकर स्टूडियो को दे देता है, और फिर 3 लोग 3 दिमाग वहां पे देते हैं। डायरेक्टर कहता है यहाँ पे ऐसा VFX डालो, स्टूडियो कहता है यहाँ पे ऐसा VFX डालो, और प्रोड्यूसर कहता है कि यहाँ पे ऐसा VFX डालो। और समटाइम जब उन्हें मजा नहीं आता तो वो कभी कभी क्या करते हैं, उसी सीन को दोबारा शूट करते हैं और दोबारा कंपनी को लाकर दे देते हैं, बोले इस पर फिर से VFX करो। और कहीं ना कहीं CGI कंपनीज खत्म हो रही है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही है और बहुत सारी नई कंपनियां चालू हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे पर्सनल पॉइंट्स गिनाता हूं, जैसे कि आता है रियलिज्म।
VFX कहीं ना कहीं रियलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे एक्स्ट्रा VFX डाल दिया जाता। और फिर आते कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जिन्हें VFX कैसे बनते हैं, कैसे उन चीजों को शूट किया जाता उसका आइडिया भी नहीं होता, और वो फिल्म को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि VFX आर्टिस्ट सब संभाल ले। अब वीडियो का क्लाइमेक्स आ जाता है और यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि ये सारे पॉइंट्स को मैं अपने मन से बनाकर प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल भी है मेरे पास में, वो आता है रिदम एंड यूज स्टूडियो, कंपनी जिसने काफी अच्छे VFX दिए हैं लाइफ ऑफ पाई, जिसपे 2 एकेडमिक अवार्ड मिले। उस मूवी से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन उठे थे कि क्या वाकई इस मूवी के अंदर रियल लॉयन को यूज किया गया था, इतना कमाल का उन्होंने VFX दिया था। बट उसके पीछे की कहानी पता है कि मूवी के रिलीज होने के 11 दिन बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, ये कंपनी बंद हो चुकी है। फिल्म 600 मिलियन कमाती है और VFX कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। वहीं पे इस कंपनी ने जब ऑस्कर जीता था तो कहीं ना कहीं एक होप नजर आई थी, और ऑस्कर में इन्होंने 45 सेकंड की एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच के दौरान उनके साथ में कुछ ऐसा किया गया। Sadly, Rhythm and Hughes is suffering severe financial difficulties right now. I urge you all to remember. उनकी आवाज को दबा दिया गया। इसके बाद में एक रेवोल्यूशन, क्रांति शुरू हुई। VFX आर्टिस्ट रोड पर उतर गए थे, क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो VFX का पैसा था वो एज कंपेयर टू अदर कंट्री इतना मुनाफे वाला नहीं था, और सारे आर्टिस्ट रोड पर क्रांति 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 चिल्लाने लगे। बट उनकी आवाज ज्यादा नहीं सुनी गई, क्यों? क्योंकि इस बात को 10 साल हो चुके हैं और आज भी VFX आर्टिस्ट वही चीज सफर कर रहे हैं जो 10 साल पहले करा करते थे। कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। एक स्टूडियो अपना जो सुप्रीम पावर होता है, जो मनी पावर होता है, वो आज भी VFX कंपनीज के ऊपर थोप रहा है। तो खैर, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना ओपिनियन देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। Mom, look at me. Hey, if you ever need anyone to talk to, I'm really, really good listener by a lot of ladies. Wait, don't